नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 10वीं और 12वीं की स्कॉलरशिप कैसे देखें अपने मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करें, क्योंकि आने वाला मेरा हर नई वीडियो आप तक पहुँच गए। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे 2020 का स्कॉलरशिप देखें अपने मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 के 10वीं और 12वीं का स्कॉलरशिप अपने मोबाइल में देखने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे क्रोम ब्राउज़र में। जैसा कि देखिए यहाँ पर गूगल खुल चुका है। यहाँ पर लिखेंगे PFMS, देन सर्च कर देंगे। जैसा कि देखिए सबसे ऊपर लिखा है PFMS, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा बैंक, उसके बाद इंटर योर अकाउंट नंबर, फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार और अकाउंट नंबर नीचे डालेंगे। देन नीचे है कैप्चा कोड डाल के सर्च कर देंगे, तो वहाँ पर आपका दिखाएगा कितना स्कॉलरशिप आया है या प्रोसेसिंग में है, जो भी है वहाँ पर दिखाएगा। तो चलिए हम फिलअप करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे। देन अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर वही अकाउंट नंबर नीचे वाले में डालेंगे। नीचे कैप्चा कोड डालेंगे इसमें। सर्च करेंगे नीचे, जैसा कि देखिए यहाँ पर खुल चुका है इसका पूरा। यहाँ पर अपना देख लेंगे पैसा आ चुका है कि नहीं। जैसा कि देखिए अभी दिखा रहा है अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS। जैसा कि अभी तक कोई डेट नहीं है कब तक आएगा पैसा। यहाँ पर देखिए डेट वोट अभी फिक्स नहीं हुआ है। जब तक कि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक डेट नहीं देता है। जब आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर डेट दे देगा। इससे पहले वाले साल का जैसे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21/1/2019 पहले वाले का है 2250 रुपये। इस बार अभी तक 465 रुपये आया है, बट अंडर प्रोसेसिंग में है। इसी तरह आप भी अपना स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।